नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन शर्मा। हम इस समय कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं, जहां लगातार सरसों की आवक हो रही है। अभी इस समय 2 महीने तक मार्केट में सरसों की आवक होती रहेगी और अभी किसी भी प्रकार की कोई और जिंस मंडी में नहीं आ पा रही है। अब हमारे साथ में यहाँ पर जो व्यापारी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल क्या भाव थे मंडी में सरसों के, आज क्या भाव है, कल कितनी आवक थी, आज कितनी आवक है और यहाँ से माल कहाँ का कौन कौन सी मीलों में जा रहा है। हमारे साथ में व्यापारी सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद है। जी सर, बताइए क्या भाव है, क्या पूरा है? सरसों की आज आमद 25 से 30 हजार कट्टे की आमद है, कल भी इतनी थी और सरसों के बाजार कल से 50 रुपये कम है, क्योंकि वर्तमान में सारी राजस्थान एवं इंडिया में वर्तमान में सरसों की आवक बहुत भरपूर आ रही है। किसान को विश्वास नहीं है कि सरकार हमारा समर्थन मूल्य पर माल ले पाएगी, इसलिए किसान हर भाव में अपना माल बेचना चाहता है। वर्तमान में 5,000-5,050 के भाव अलवर मंडी में है, क्योंकि अलवर मंडी सरसों मंडी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर बहुत बड़े सोलवैक्स मीलें, सरसों की बहुत बड़ी बड़ी मीलें और नामी मानस स्कूटर तरह तरह के हमारे अच्छे ब्रांड पूरे देश में विदेश में प्रख्यात हैं। तो ऐसे में अलवर मंडी अपने आप में सरसों में एक अपने आप में सरसों में अच्छी मंडी मानी जाती है। किसान इसलिए अपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सब तरह से एक किसान को स्वच्छ और अच्छा वातावरण, ईमानदारी का वातावरण मिलता है, इसलिए किसान बहुत आते हैं। दूसरा, वर्तमान में अभी जो का नया अराइवल शुरू हुआ है, आज मंडी में 1,000 कट्टे करीब जो की नई आमद भी है, जिसमें भाव 1,800 से 1,900 के जो के भाव रहे। अभी फिलहाल जो सरसों है, कौन कौन से गांव से आ रही है सरसों हमारे ओडपास क्षेत्र? एवं मैंने अभी आपको बताया कि अलवर में अपने आप में वो आसपास के राजस्थान की मंडियों की, चाहे वो कोटा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे लालसोट हो, चाहे ब्याना हिंडौन हो, सब जगह का माल अलवर मंडी में आता है। अभी आगे होली है, होली के बाद में किस तरह का बाजार रहने वाला है? होली तक बाजार में समझता हूँ कि फिर उसके बाद सरकारी खरीद का एक पता पड़ेगा, 1 अप्रैल से कितना लेती है, उसके बाद बाजार उसी हिसाब से चलेगा। वर्तमान भाव और सरसों का समर्थन भाव में काफी अंतर होने की वजह से काफी किसान अभी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है 1 अप्रैल से अगर किसानों का माल सरकार ने खरीदा, क्योंकि किसानी समर्थन मूल्य 5,650 है, वर्तमान मूल्य 5,050 है, तो काफी अंतर है, ज्यादा अभी घटने का गुंजाइश नहीं है। किसानों को भाव कैसा मिल पा रहा है यहाँ पर? किसानों को पिछले साल के जैसा भाव मिल रहा है, इसलिए किसान बेच रहा है। तो अभी कुछ नमी भी देखी जा रही है, कुछ अभी नए माल आ रहे हैं, लेकिन नए जो नमी के माल आ रहे हैं वो भाव उसी हिसाब से तय हो जाते हैं, इसलिए किसान को उसमें कोई नुकसान नहीं। जी, हमारे साथ में जो व्यापारी से सुरेश जलालपुरिया जी, उन्होंने बताया कि यहाँ मंडी में सरसों की आवक जो है काफी अच्छी है, भाव भी किसानों को अच्छा मिल रहा है और यहाँ का जो सरसों जो है यहाँ दूर दूर मीलों में जा रही है, जहाँ सरसों का तेल तैयार हो रहा है उसके बाद में मार्केट में जाता है, जहाँ लोगों के घरों में सरसों का तेल पहुँचता है। एक अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल जो है लोगों के घरों में पहुँच रहा है और लगातार मंडी में सरसों की आवक होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उनको पिछले साल का जैसा भाव उनको मिल रहा है। नितिन शर्मा, अलवर।